मुरली शब्दावली नाम से एक ऐप बना है। उस ऐप के बारे में शांति सरोवर हैदराबाद से आई हुई बीके सुमलता बहन जी जानकारी देंगे, वीडियो स्लाइड भी दिखाएंगे। ओम शांति। 2.5 ईयर्स के बाद मधुबन बट्टी में आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ख़ास जिन भी दीदियों ने क्लास कराया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और ख़ास करके शारदा दीदी को भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि क्लासेस करना एक तरफ तो दीदी कोऑर्डिनेशन से ही हम सबको एक ताल पे लेकर आते हैं और हम सबको बहुत माइंड ट्यूनिंग करके कैसे हमको रहना है प्यार से समझाती हैं, तो दीदी को भी बहुत धन्यवाद। आज मैं आप सबके सामने एक वेबसाइट लेकर आई हूँ जो हैदराबाद शांति सरोवर और स्पार्क विंग का एक संयुक्त प्रयास हम कह सकते हैं, जिसका नाम है मुरली शब्दावली। वेबसाइट का नाम है मुरली शब्दावली, जिसमें हम सभी जानते हैं मुरली कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमको मुरली में शिव बाबा की मधुर वाणी मिलती है, सब बातों का सैल्वेशन मिलता है, लेकिन बाबा की मुरली में अलग अलग भाषाओं में बाबा समझाते हैं, जैसे कि फारसी, उर्दू, सिंधी, अलग अलग शब्दों में, इंग्लिश में, फिर कहानी कहावतों से बहुत गुह्य ज्ञान को बाबा हमको रमणीक रीति से कहानियों से भी सुनाते हैं। लेकिन जब हम मुरली सुनते हैं तो कई कई शब्दों का, कई कई कहानियों का हमें समझ में नहीं आता है कि इसका अर्थ क्या है। तो हमने प्रयास किया है एक टीम बना करके कि सारे 5 साल की साकार मुरलियों का और सारे अव्यक्त वाणियों का हमने अध्ययन किया है, जो भी कठिन शब्द है, कहानी कहावत है, उन सब का हमने मिला करके एक ऐसा ऐप बनाया है। तो जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, आप देखेंगे स्क्रीन पर अंगे अखरे पूरा हिसाब किताब है। तो अंगे अखरे मतलब तिथि तारीख। ऐसे ही एक एग्जाम्पल मतलब आप इस ऐप में अगर इसको ढूंढेंगे तो आपको ऐसा इसका मिलेगा कि अंगे अखरे का मुरली डेट भी हमने ऑथेंटिक होने के लिए मुरली डेट भी हमने इसमें डाला है। सोर्स लैंग्वेज इसका, इस शब्द का मुझे नहीं मिला, जो भी जिसको दीदी को अगर मालूम हो तो हमको बता सकते हैं। और फिर ये साकार मुरली से है या फिर अव्यक्त वाणी से है, अने पीछे जाएंगे पीछे किस लिए, तो ये साकार मुरली है या अव्यक्त मुरली है, किस मुरली में ये शब्द आया है, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। और फिलहाल इसका मीनिंग्स हमने 3 भाषाओं में बनाए हैं, हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु में। अभी फ्यूचर में और भी लोकल लैंग्वेजेस जैसे कन्नड़ा, तेलुगु, गुजराती, वो भी करने का संकल्प है। जो भी टीचर्स बहनें इसमें मदद करना चाहते हैं अपने अपनी भाषाओं में इसको अपने ऐप में डालने के लिए, तो ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसे इस ऐप में 4 कैटेगरीज बनाया गया है, हिंदी वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स, प्रोवर्ब्स एंड स्टोरीज, कहानी कहावतें। तो आप समझ सकते हैं ये 20 साल से चल रहा है ये प्रोजेक्ट, ये कोई 1-2 साल में बनी नहीं है, क्योंकि इसका हमने ठीक रीति से इसका मीनिंग्स लेना, फिर उसको ऐप के तरह से टाइप करना, ये बहुत समय से चल रहा है, लंबा प्रोजेक्ट था। और ये साल 18 जनवरी को आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी के द्वारा इसका लॉन्चिंग हुआ है। लेकिन इसके पहले जब रमेश भाई थे, जब हमने कहा कि ऐसा संकल्प है ऐसा बुक बनाने का, तो भाई साहब ने तुरंत हाँ किया, और बाप दादा की कमल हस्तों के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। तो आप स्टेज पर देख सकते हो आदरणीय रमेश भाई जी, आदरणीय कुलदीप दीदी जी बाप दादा को ये प्रस्तुत कर रहे हैं। और फिर इसका हाफ ऑफ द पार्ट मतलब कहानी और कहावतें ऑलरेडी लिटरेचर में ये बुक अवेलेबल है,
और जिसका नाम है मुरली में आने वाली कहानी और कहावतें। ये हैदराबाद से और स्पार्क विंग से बनी हुई ये है। तो इसके लिए हमने कुलदीप दीदी के द्वारा, अंबिका दीदी जी और आदरणीय राजू भाई साहब से संपर्क करते रहे, गाइडेंस लेते रहे। जो भी शब्द आप देख रहे हो, जिसका मीनिंग्स आप देख रहे हो, लास्ट दिसंबर में राजू भाई साहब ने सारे शब्दों को चेक किया, वेरीफाई किया, करेक्शंस भी किए थे भाई साहब, और अथेंटिक, मतलब जो भी मीनिंग्स है आप समझ सकते हो कि ये पूरा अथेंटिक है, भाई साहब द्वारा वेरीफाई किए हुए मीनिंग्स है। तो इसलिए सभी भाई बहनें निसंकोच होकर के इस ऐप को यूज कर सकते हैं। और जिसमें ये वीडियो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको, ये ऐप को आप murlishabdavali.com वेबसाइट है तो murlishabdavali.com कर सकते हो। तो ऐसा आपको होम पेज दिखेगा, इसमें नीचे हमने डिस्क्रिप्शन दिया है कि कौन से मुरलियाँ, कौन से इस 5 साल की साकार मुरलियाँ हमने रेफर किया है। फिर ये 4 कैटेगरीज आपको दिखेगा। अगर आपको कुछ शब्द ढूंढना है तो ऊपर जो सर्च बार दिख रहा है, सर्च योर वर्ड, उसमें आप टाइप कर सकते हो। एग्जाम्पल की रीति से हिंदी वर्ड्स में अभी टाइप हो कर रही हूँ, माया पासा फिराती है बाबा कहते हैं, तो पासा फिराना का मतलब क्या है, आप इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हो। तो पासा फिराना, इसका अर्थ हमने यहाँ ऐसे 3 भाषाओं में लिखा है। ऐसे ही आप देखेंगे फिर नेक्स्ट में कहावतों की कैटेगरी में मैं गई, आप देखेंगे नीचे डिस्प्ले भी है, जो भी कहावतें हैं वो देख करके आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। चूहे लदी होट गरी, तो उसका भी मीनिंग सहित, मुरली डेट सहित हमने आपको यहाँ पर दिया है। ऐसे ही फिर आप स्टोरीज में जाएंगे तो स्टोरीज का भी आप स्टोरीज, जितने भी स्टोरीज है, अभी स्टोरीज और आएंगे और बाकी है, तो एक स्टोरी आप ऐसा सेलेक्ट करेंगे पंडित की कहानी, बाबा क्या कहते हैं पंडित की कहानी में। तो ये भी ऐसे 3 प्रकार, मतलब 3 लैंग्वेजेस में हमने यहाँ डाला है। तो इसका बहुत लाभ सभी को मिल रहा है। जो मुझे पर्सनली मिला है वो 1 मिनट में मैं शेयर करती हूँ। 20 साल पहले जब मैंने इसको शुरू किया था, उस समय मेरा तबीयत बहुत नाजुक रहता है, तो उस समय मैं बेड रिडन थी, पूरे पलंग पर ही लेटी हुई थी। और उस समय समझो कि मैं जैसे कि डिप्रेशन में चली गई कि अब मेरा फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि बहुत रेयर जो एंकलाइजिंग स्पॉन्डलाइजिस होता है वो मुझे आया, और बहुत बार ऐसा बेड रिडन होना ये सब हो रहा था। तो एक बार, मतलब बहुत ऐसे डिप्रेशन में थी, तो एक बार ऐसे मुरली पढ़ रही थी तो कुछ डाउट आया मुझे, तो मुझे लगा अब किसको मैं डिस्टर्ब करूँ, किससे मैं सेल्वेशन लूँ, इसका मीनिंग। तो फिर तुरंत भाई साहब से, आदरणीय रमेश भाई साहब से मैंने इसका सेल्वेशन लिया, मतलब उसका मीनिंग मैंने भाई साहब से समझा। और उसके बाद भाई साहब से कहा कि भाई साहब इसका एक बुक बने तो कैसा रहेगा, मैं अपना योगदान इसमें दे सकती हूँ। तो भाई साहब तुरंत कहा Your thought is very good, you can proceed. तो तब से ऐसे लेटे लेटे बेड रिडन पर ही इतना सीवियर बैक पेन होता था कि बेड पर ही करवट लेने में, इस तरफ से उस तरफ मुझे बेड पर ऐसा करवट लेने में ही मुझे मिनिमम आधा घंटा लगता था। एंड वो टाइम पे बहुत कुछ है, बहुत कुछ जो मैं ये है, तो ऐसे डिप्रेस्ड स्टेट में ये बाबा ने मुझे संकल्प दिया कि कुछ ऐसा सेवा करने के लिए। तो बैठे बैठे मैं सारी मुरलियों को मंगवाई, लेटे लेटे मैं सारी कहावतों का पूरा अंडरलाइन करा करके वो सारा कंपाइल किया है। तो मैं आपको सार में अगर कहूँ तो मुरलियों के अध्ययन से ही मेरा कर्म भोग बहुत हद तक चुक्त हुआ है। उसके बाद कभी मैं बेडरिडन नहीं हुई,
कभी पेन ज़्यादा कम होता है वो अलग बात है, लेकिन जो बाबा कहते हैं कि मुरली से जीदान होता है, मुरली अध्ययन से हमको नया लाइफ मिलता है, उसके लिए मैं, मेरा लाइफ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। और ये जो वेबसाइट और ऐप बना है ये कोई सिर्फ सेवा नहीं है, माई न्यू लाइफ यू कैन सी इन दैट वेबसाइट। तो आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप सभी इसको यूज़ कीजिए। प्ले स्टोर में एंड्रॉयड वाले हैं तो अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में ले जा करके, प्ले स्टोर में जा करके मुरली शब्दावली टाइप कीजिए, आप उसको वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके लिए आदरणीय राजू भाई साहब को बहुत बहुत दिल से स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि भाई साहब ने ही बल भर करके मुझे स्टेज पर भेजा, और आदरणीय शारदा दीदी ने मुझे इतना समय दिया। दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम दो मिनट योग में बैठेंगे और कुमारी पायल बहन जो उपलेटा गुजरात से आई गीत प्रस्तुत करेंगी, मेडिटेशन भी होगा। शांति। बाबा ने जो आज मुरली में सभी शिव शक्तियों की महिमा की तो उसके ऊपर हमने ये गीत लिखा है, आशा है कि आप सबको पसंद आए। सलाम संगम युग की प्यारी डगर को सलाम, भोलेनाथ तेरी शिव शक्तियों को सलाम, सलाम निराकार तेरी हर एक भुजा को सलाम। दुनिया में आकर शिव ने जिसका है तन लिया, वो आदि पिता ब्रह्मा बाबा भगीरथ को सलाम। भाग्य जगाने वाले लम्हे का शुक्रिया, वरदान लुटाने वाली नजर को सलाम, भोलेनाथ तेरी शिव शक्तियों को सलाम। श्रीमत पे तेरी चलकर गुणवान हम हुए, शिव पिता सतगुरु तुझे उम्र भर सलाम। प्रभु से मिलन कराया खुशियों से भर दिया, वो मधुबन तपोभूमि बेहद घर को सलाम। निराकार तेरी हर एक भुजा को सलाम। धरती को स्वर्ग बनाने शिव ने ये ज्ञान दिया, मुरली में उठने वाली हर लहर को सलाम। ब्रह्मचर्य की राह पर चल उठे जो कदम, पावन पथ के हर राहबर को सलाम। लड़ने विकारों से जो मैदान में आ गए, स्वदर्शन के हर चक्रधर को सलाम। बंधन को तोड़ कर जो घर से निकल गई, ऐसी तपस्वी त्यागी हर उम्र को सलाम। ओम मंडली के दुश्मनों ने पिकेटिंग हजार की, फिर भी नहीं रुकी जो उस सफर को सलाम। भोलेनाथ तेरी शिव शक्तियों को सलाम। संगम युग की प्यारी डगर को सलाम, भोलेनाथ तेरी शिव शक्ति।